स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एव एडुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट जो कि है रियल नंबर। तो आज एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चंस नंबर 34 करेंगे। हाँ दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 34, जो कि काफी आसान क्वेश्चंस है, और ये जो भी है न्यू बुक से बनाया जा रहा है, सो इसमें क्वेश्चंस काफी ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, जो न्यू 2022 का जो प्रिंट का बुक है, ठीक है, आरएसएल का। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं, सो सिंपल है। अब करोगा क्या, क्वेश्चंस मैं रीड कर देता हूँ, ठीक है। क्या करा, सिक्स बेल कॉमेंस टोलिंग टूगेदर एंड टोल एट द इंटरवल ऑफ इतना इतना, मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, मीन्स कर सकता है इतना, मीन्स लगातार ये सारे बजते हैं, ठीक है, मिनट्स पे, इतना इतना मिनट्स पे लगातार बजते हैं। रिस्पेक्टिवली इन 30 आवर्स में हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। तो 30 आवर्स में कितने बार वो टोल करेगा, रैंक करेगा, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करेंगे और सारे टर्म को हम एलसीएम गेन करेंगे, राइट ना। तो लिख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम 2 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, 2 को प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 1, राइट ना। 4 को क्या कर सकते हैं, तो 2 का पावर 4 कर सकते हैं। 6 को क्या कर सकते हैं, 6 को तो 2 × 3 कर सकते हैं। उसके बाद 8 को क्या कर सकते हैं, तो 2 का पावर देखिए 3 कर सकते हैं ना, बिल्कुल। और उसके बाद क्या कर सकते हो, 10 का क्या करोगे, 2 × 5 करेंगे। 12 का क्या करोगे, तो यहां पर देखिए 2 का पावर यहां पर कर सकते हैं 2 × 2, यहां पर कर सकते 3, 4, 3 = 12, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, राइट ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम तो एलसीएम कैसे निकलेगा, सो सिंपल है, देखिएगा एलसीएम निकालने का तरीका सिंपल सा जान लो। एलसीएम निकालेंगे इस टर्म को, तो हम जानते हैं कि 2 में देखेंगे हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, ठीक है, तो देखिए 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 का पावर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 3 वाला में सबसे 3 तो 3 है, तो यानी 3 रहेगा। 5 वाला टर्म में देखो 5 ये टर्म होगा, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। क्या करते हैं, ये 2 का पावर 3 यानी कि 8 × 3 × 5, डेट मीन्स कर सकते हैं 24 × 5, फाइनल अगर देखा जाए तो 120 मिनट्स आ जाएगा, राइट ना। ये चीज हो गया, क्लियर ना, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सो देखिएगा सिंपल सा केसेस हम यूज कर सकते हैं। नाउ अगर आपको ये देखा जाए, ये यहां पर टर्म अगर देख सकते हो 120 मिनट, डेट मीन्स 2 आवर्स, अगर हमें आवर्स में चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सा 120 को अगर 60 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 × 2 = 12, यानी कि आवर में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 आवर्स हमें प्राप्त हुआ, राइट, ये 2 आवर्स हमें यहां से गेन हो गया, देख सकते हो 2 आवर्स यहां से गेन हो गया। अब नाउ उसके बाद हम करेंगे क्या, सो देखिएगा नाउ उसके बाद देखिएगा सिंपल सा मेथड हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है ना, कि हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। तो एक चीज है रिक्वायर्ड टाइम निकाल देंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो देखिए यहां पर दिया 30 आवर्स में क्या हो जाएगा, डेट मीन्स कह सकते हो 30 आवर्स यानी कि हाफ आवर कह सकते हो, आधे घंटे यहां पर इस तरह से आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा +1, ये टर्म हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं लिखा, वो चीज आपको मैं समझा देता हूं। रिक्वायर्ड टाइम में हम लिखे 30/2 + 1 इसलिए लिखा हूं क्योंकि शुरुआत में इनिशियल अगर बेल रैंक करता तो शुरुआत में 0 से एक बार फिर 1 हुआ होगा, तब फिर 2 हो गया, उसके बाद 3 हुआ होगा। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे ना इनिशियल से तो फाइनल तक, तो आप देखोगे कि उसमें एक इंटरवल आगे पहले ही एड हो जाता है, ठीक है ना, उसी अकॉर्डिंग में किया तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 15 + 1, डेट मीन्स ये 16 टाइम्स आपका ये पूरी तरह से आंसर गेन हो गया, राइट ना। होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा।
अगर ये टर्म आपको ना समझ में आए तो सिंपल से देखिएगा बेल कर रहेंगी, डेट मीन्स कहने का था ये टू होने से पहले क्या इनिशियल को देखा जाता है, राइट ना, इनिशियल को देखकर आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। सो सिंपल सा था ये मेथड, काफी आसान था। वन क्वेश्चन और एक बचा इसमें, मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।